हेलो फ्रेंड्स, वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में पहले तो मैं डिस्कस करूंगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक है स्पीड डिस्टेंस इन टाइम। काफ़ी टाइम से हमारे पास मेल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर स्पीड डिस्टेंस इन टाइम पे भी वीडियोस बनाइए। हमने नहीं बनाया था पहले, लेकिन आज हम उसी को स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो कीप वॉचिंग अस, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन अस ऑन फेसबुक। हमारे जो पेजेस हैं वो हैं मैथ्स विद मयंक, वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फ्रेंड्स। तो अगर हम देखें जो मैंने आपसे बोला है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, तो ये स्पीड डिस्टेंस टाइम, ये तीन का जो आपकी बोला जाए जो एंटिटीज हैं, ये काफी मैटर करती हैं। यही है जो आपको सॉल्यूशन करना रहता है, स्पीड डिस्टेंस और टाइम। भाई हमारे इन्हीं पे बेस्ड फॉर्मूला होता है, आपको ही पता है। स्पीड बराबर सबको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो अब आपको एक चीज और बता दूं। सबसे पहले आप ध्यान दोगे यूनिट पे। किस पे? यूनिट पे। यूनिट मतलब मैं आपको बता रहा हूं इकाई। कैसे? देखो, जब भी आप सॉल्व करोगे हमेशा याद रखना, या तो आपकी किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी स्पीड, या तो किस में आएगी, मिनट पर सेकंड, मिनट पर आवर में कभी मत निकालना। अगर आपका जो डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम आपको सेकंड में करना पड़ेगा, अगर आपकी डिस्टेंस किलोमीटर में, देन टाइम होगा आवर में। ये याद रखना हमेशा कि आपकी जो डिस्टेंस है वो दो यूनिट में आएगी। चलिए देखते हैं अब इसके बाद डिस्टेंस की बारी। भाई जो आपकी डिस्टेंस है, जब आपका टाइम मीटर पर सेकेंड में है, देखिए दो चीज़ों में बटा रहेगा ये हमेशा, तो डिस्टेंस आपकी होगी मीटर में, टाइम आपका होगा सेकेंड में। जब ये होगा किलोमीटर, अब आप खुद देख लो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस कितने किस में थी, मीटर, टाइम कितना था सेकेंड, मीटर पर सेकेंड बना जो कि यूनिट मैंने लिखी थी। तो आप समझ गए होंगे सेम यूनिट कितनी इंपॉर्टेंस रखती। अगर मैं यहां पर कहूं किलोमीटर पर आ, तो कैसे होगी आपकी? भाई किलोमीटर में आपकी डिस्टेंस दी है और टाइम किलोमीटर पर आ। ये तो था आपका मेन कंसर्न जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यही चीजें हैं। ये जो आपको स्पीड दी गई है, स्पीड मतलब चाल, इसी पे डिपेंड करता है। ये यूनिट है जो हमारी, ये इन्हीं पे डिपेंड करती है, किलोमीटर पर आर। देखो अब जब आप देखते हो कि आपने देखा मुझे यहां से वहां जाना है, कहीं भी जाना है, तो आपकी एक स्पीड रहती है निर्धारित। वो कैसे निकलती? भाई दूरी देखते हो आप, 10 किलोमीटर जाना है यार, 10 मिनट लग जाएंगे, एक घंटा लग जाएगा। तो आप क्या करते हो, टाइम को डिवाइड करते हो किस में, आपके डिस्टेंस में, तब जाके निकलती है आपकी स्पीड। तो देखिए ये तो थे नॉर्मल जो इसकी फॉर्मूले होते हैं, जो इसकी यूनिट होती है वो। अब मैं आपको बताऊंगा यूनिट कन्वर्जन। भाई मीटर पर सेकेंड में अगर आपका है और आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आर में, तो आप ये बताओ मीटर पर सेकेंड कैसी यूनिट है, स्मॉल, और ये कैसी है, बिग या लार्ज, जो आप बोले, ये ग्रेटर वैल्यू है या ग्रेटर यूनिट है। तो जब आप छोटी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में जाओगे, तो आपको एक याद रखना है, आप किसका मल्टीप्लाई करोगे। जब आपको मीटर पर सेकंड से स्पीड को चेंज करना है किलोमीटर पर आर में, तो आप करोगे 18/5 का मल्टीप्लाई। और जब आपको क्या करना है, जस्ट अपोजिट, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाना है, तो आप इसको कर दो उल्टा, 5/18। अब रही कंफ्यूजन की बात, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर ऐसा कैसे होगा। ये आपको वैल्यू याद करनी है, पहली बात तो 18/5, 5/18 याद है, सबको याद हो जाएगी आसानी से। लेकिन इसमें याद रखने बात यह है कि जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर, किलोमीटर से पर से, कंफ्यूजन ये होता है याद कैसे रखें। तो एक चीज याद रखना आप हमेशा, मीटर पर सेकेंड छोटी यूनिट है, छोटी से बड़ी में जाओगे तो ऊपर कौन सा अंक आएगा, बड़ा। जब बड़े में कन्वर्जन करना है तो 18 बड़ा है ना 5 से, तो 18। जब आप बड़ी यूनिट किलोमीटर पर आर से किस पे जाओगे, छोटी यूनिट मीटर पर सेकंड, मतलब हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब आप 5 को ऊपर ले आओ, मतलब छोटी यूनिट के लिए 5 आएगा छोटी वैल्यू ऊपर, और बड़ी यूनिट के लिए बड़ी वैल्यू ऊपर। आसानी से याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं आप पर डिस्टेंस के लिए। भाई बात रही अब डिस्टेंस की, अगर आप देखो तो डिस्टेंस आपकी रहेगी मीटर में या किलोमीटर में,
तो देखिए यहाँ मैं आपको बताता हूँ मीटर किलोमीटर का भी कंसर्न। भाई एक किलोमीटर बराबर क्या होगा आपका 1000 मीटर। तो जब भी आप किलोमीटर से मीटर में करना चाहोगे तो आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 का। लेकिन जब आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है किससे मीटर से, तो आप क्या करोगे हमेशा 1000 का डिवाइड कैसे देख लेते हैं। 1 मीटर को किस में चेंज कर लिया आपने, किलोमीटर में, तो 1/1000 किलोमीटर हो गया आपका यहाँ पर। तो आप याद रखिए जब किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है 1000 का मल्टीप्लाई होगा, और जब आपको किस में चेंज करना है मीटर में, तो आप किलोमीटर में किसका डिवाइड करोगे 1000 का। ये तो रही आपके क्या अलग अलग कंसेप्ट थे, ये किसके लिए था आपका डिस्टेंस के लिए, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है। अब बात रहती है भाई टाइम की, अगर मैं यहाँ टाइम के लिए करूँ तो टाइम आपका 3 चीज़ों में डिवाइड इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार मिनट में भी दे देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर सेकेंड की, फिर मिनट की, फिर आर की। तो फ्रेंड्स ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़रूरी क्यों है अब देख लेंगे, इसे मिटा देता हूँ मैं इसे। भाई अगर आपको सेकेंड में चेंज करना है 1 सेकेंड, सबसे पहले मैं आपको आर से बताता हूँ। 1 आर बराबर होता है 60 मिनट, और अगर आप सेकेंड में देखना चाहोगे तो 60 × 60 मतलब 3600 सेकेंड, ठीक है। ये तो हो गया। अब आपको अगर 1 सेकेंड निकालना है किसमें, 1 सेकेंड से आपको कन्वर्ट करना है भाई, आपको वैल्यू को कन्वर्ट करना है सेकेंड से मिनट में, किससे, सेकेंड से मिनट में। तो भाई कुछ नहीं है, अभी आप मिनट का भी लिख लो पहले यहाँ पर कंसेप्ट, ठीक है। 1 मिनट बराबर 1/60 आवर्स। कैसे हुआ भाई, 1 मिनट 60 नीचे ट्रांसफर कर दूँ 1/60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मुझे निकालना है 1 मिनट किस में, आपको निकालना है सेकंड में, तो आप लेकिन क्या लिखोगे 60 सेकंड, मल्टीप्लाई कर दोगे 60 का। अब बात आती है सेकेंड्स की, दो तरीके से सेकेंड निकाल सकता हूँ मैं, सेकेंड को कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर आपको सेकेंड को कन्वर्ट करना है किस में, मिनट में, तो आप क्या करोगे, देखो सेकेंड है 1 सेकेंड, तो 60 को नीचे ट्रांसफर कर दो 1/60 मिनट। और अगर आपको इससे ही अब चेंज करना है किसमें, भाई मुझे 1 सेकेंड को चेंज करना है आर में, तो घंटे में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 1/3600। आपको चेंज करना था घंटे में, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 1/3600 कैसे देख लेते हैं भाई। 1 घंटा बराबर कितना होता है 3600 सेकेंड, तो 1 सेकेंड बराबर 3600 को नीचे ले आओ 1/3600 आवर्स। तो देखिए आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यूनिट कन्वर्जन है, ये आप अच्छे से लिख लीजिए, आने वाले लेक्चर में हम काफ़ी कुछ शेयर करेंगे इसके रिगार्डिंग, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसकी यूनिट क्या है, कैसे कन्वर्ट करना है। क्योंकि तो जो आंसर है ना सॉल्व कर लेते हैं, हम फॉर्मूला राइट लेते हैं, फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं, आंसर ही नहीं आता, क्यों, यूनिट भूल जाते हैं कन्वर्ट करना। आप हमेशा याद रखो अगर जो आपकी यूनिट है भाई स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में है, तो आपका टाइम मीटर में और डिस्टेंस मीटर में होनी चाहिए, टाइम सेकंड में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है टाइम आर में लेके आप सॉल्व कर दो, तो आपको यूनिट काफ़ी ध्यान देनी है। और आने वाले लेक्चर में मैं कुछ और ऐसे आपको टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी फ्रेंड्स, क्योंकि जो स्पीड डिस्टेंस टाइम टॉपिक है इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न बहुत होता है, कई बार समझ में नहीं आता। इसमें 3 तरह के टॉपिक है, एक नॉर्मल होगा आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम जिसमें कई तरह के वेरिएशंस वाले क्वेश्चन होंगे, एक होगा आपका प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर आपका रहेगा थर्ड जो रहेगा वो रहेगा बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस होती है इसमें, लेकिन अब नहीं होगी अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते रहेंगे। तो आने वाले लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा और भी काफ़ी जो इनके रिलेशंस हैं टाइम के वो काफ़ी शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले अभी अलविदा कहने का टाइम नहीं आया है, अभी मैं एक और कंसेप्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। आप हमेशा ये याद रखो जब भी आपको बोला जाए रेशो की बात, तो ये याद रखना अगर स्पीड का रेशो है S1/S2 तो वो इक्वल होगा टाइम के अपोजिट रेशो के, मतलब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। S1/S2 बराबर होगा T2/T1। आप हमेशा याद रखिए जब भी आप ऐसा करेंगे, दो कोई भी आपके हैं
ऑब्जेक्ट्स उनकी स्पीड लेके आपने रेशो निकाला, तो जो टाइम होगा वो आपको उल्टा लेना पड़ेगा, T2/T1। ठीक है, तो आप एक स्पीड और टाइम एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। कैसे, इसमें भी समझ लेते हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को अभी भूल जाओ तो क्या होता है, S/1/T या T/1/S एक दूसरे के अपोजिट हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। तो ये आपको और ध्यान रखना है कि भाई स्पीड टाइम अगर होंगे तो एक दूसरे के अपोजिट उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे या घटेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट और था जो मैं आपको बताने वाला था, मैंने आपको बता दिया है। आने वाले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और काफ़ी क्वेश्चन है स्पीड डिस्टेंस टाइम के जो आपके बीच में शेयर करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video.